भिलाई के पावर हाउस मार्केट में मकर संक्रांति को लेकर खास तैयारियां देखी गई, लेकिन इस कोरोना काल का असर मकर संक्रांति त्यौहार पर भी पड़ा है। मार्केट के ग्राहकों की संख्या में कमी देखने को मिली, जिससे दुकानदारों की आमदनी में खासा प्रभाव पड़ा। कोरोना महामारी के चलते लोग अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रख रहे, तो कहीं बिना मास्क लगाए ही खरीदी की जा रही है। मकर संक्रांति का त्यौहार सूर्य के उत्तरायण होने पर मनाया जाता है। इस वर्ष मकर संक्रांति का त्यौहार 14 जनवरी को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति के त्यौहार पर भिलाई के पावर हाउस मार्केट में खास तैयारियां की गई है, लेकिन इस वर्ष कोरोना के वजह से पावर हाउस मार्केट में रौनक कम देखने को मिली है। कोरोना के प्रभाव से दुकानदारों की बिक्री पिछले साल की तुलना में इस साल कम हुई है। वस्तुओं के दाम घटा देने के बाद भी उनकी बिक्री में इजाफा नहीं हुआ है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति डगमगा गई है। कोरोना के डर की वजह से लोग बाहर की वस्तुएं नहीं खरीद रहे हैं। पिछले साल से बहुत इस साल जो मतलब धंधे में कमजोरी हो जाना है, धंधा इस साल बहुत डाउन है। कितने ग्राहक आ रहे हैं? ग्राहक बहुत कम आ रहे हैं। और सस्ता भी आइटम दे रहे हैं, 10 रुपया जहाँ 50-60 रुपये वाला है वहाँ 10 रुपये का आइटम को लगा दिए, तो गरीब लोग भी खाएं उसको 10 रुपये में, और बाकी तो 50 रुपये पाँव है, 60 रुपये पाँव। असर तो पूरा पड़ रहा है, फिर भी मालिक है उसी में पेट भर रहा है। थोड़ा तो फर्क पड़ा है कोरोना के हिसाब से। अब नोटबंदी में जो था ठीक था, इसमें जो है कि गड़बड़ा गया थोड़ा बहुत, मैं फिर भी जो है कि आदमी बाल बच्चे के लिए कमा ही लेता है। यहाँ पे लोग आते हैं तो अपनी सुरक्षा का कितना ध्यान देते हैं? सुरक्षा ध्यान तो पूरे है, समझिए 75% जो है मास्क लगा के आते हैं। अब आगे जाके खोल देते हैं, क्या करते हैं, ऐसे तो हम भी खोल दिए हो है, क्योंकि नियम नहीं है, बाकी आदमी जो है उसे चलता है। मकर संक्रांति के त्यौहार पर कुछ लोग तिल, लड्डू, मुर्रा, चीकी आदि वस्तुएं खरीदने आए। साथ ही इस कोरोना काल में लोग अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए मास्क, स्कार्फ लगाकर खरीदी कर रहे हैं। इस वर्ष बाजार में खरीदी करने वालों की संख्या काफी कम नजर आई है। मकर संक्रांति तो हिंदुओं का मेन त्यौहार है, साल मनाते हैं, इस साल ही मनाए, कोरोना की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, लेकिन कुल मिला के ठीक है, कोरोना से बच के ही रहना चाहिए, अभी खत्म नहीं हुआ है कार्यक्रम। मकर संक्रांति के त्यौहार पर जहां तिल लड्डुओं की दुकानों पर भीड़ कम थी, वहीं पतंगों की दुकान में बच्चों की भीड़ देखने को मिली। बच्चे पतंगों को खरीदते हुए काफी उत्साहित नजर आ रहे थे, वहीं उन्हें पतंगबाजी और तिल के लड्डू व अन्य पकवान खाने का बेसब्री से इंतजार था। पतंग उड़ाना अच्छा लगता है, मैं यहीं से हमेशा पतंग लेता हूँ, हाँ अच्छा पतंग उड़ता है, मन भी अच्छा रहता है, तो मुझे यहीं से पतंग। मकर संक्रांति के लिए क्या तैयारी है? मकर संक्रांति के लिए आज पतंग लेने आऊँगा, यहीं से पतंग लूँगा और उड़ाऊंगा। ग्रैंड न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।